दमोह शहर में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अपराधी तत्व बेखौफ घूम रहे हैं। जरा सा मौका लगते ही वह वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामला, पंजाब नेशनल बैंक से 40,000 रुपए लेकर निकले एक रिटायर प्यून का सामने आया है, जिसे रेलवे स्टेशन के समीप धक्का देकर गिराने के बाद बाइक सवार लुटेरे उसका रुपयों से भरा थैला लूटकर भाग गए। घटना की जानकारी लगने पर कोतवाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र की खाक छानती नजर आई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर पीड़ित घायल ने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए हालात को उजागर किया। जाऊँ स्टेशन शौचालय को छोड़ जाकर गुजर पीछे गाड़ी से आए ये चला रहा हूँ तो एक ने पीछे का झटका से मौके पर गिर जो है भाग गए और वहाँ पंजाब बैंक के पास और टोपी लेन के पास कोपरेटिव बैंक के पास में पाया और जमीन के कागज जाऊँ मैं। कितने पैसे थे उनमें? 40,000 रुपया थे। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? हाँ, हमारे धुआ चला के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा धन पटेल काजू पटेल। चलो धन घायल वृद्ध का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब जिले में इस तरह की वारदात हुई हो। 3 दिन पहले घंटाघर क्षेत्र से एटीएम बदलकर एक शिक्षिका के खाते से रुपए निकाल लेने का घटनाक्रम भी सामने आया था। एसबीआई की इस उपभोक्ता के द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली में की गई। 3 दिन बाद भी एटीएम बदलकर 400 बीसी करने वालों को पता नहीं लग सका है।